अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्टिशेफ स्पाइस। आज हम बनाएंगे गोट की रिब्स। ये आधा किलो मैंने गोट की रिब्स ले ली है। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये खड़े मसाले हैं कुछ। ये 2 पीस सिनेमन स्टिक के हैं, 8-10 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 बेलीफ। 1 बड़े साइज़ की प्याज है, 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1 बड़ा टमाटर है और ये धनिया। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने 4 चम्मच ऑयल डाल के रख ली है। तो आप डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। एक मिनट मैंने फ्राई कर ली है, तो अब डालेंगे ये रिब्स। रिब्स को 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। अब डाल दूंगी ये प्याज। प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये खड़े मसाले डाल दूंगी। पानी डाल के तो आधे घंटे के लिए मैं कवर कर दूंगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये आधा घंटा हो गया तो गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है। और रिब्स को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच योगर्ट ऐड कर दूंगी। रिब्स को मैंने अच्छी तरह भून लिया है तो आप डाल दूंगी इसमें मैं 1 कप पानी। हमने हल्की सी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी आप चाहे ज़्यादा रखें चाहे कम, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। अब लीड को बंद कर देते हैं। ये रिब्स हमारी बन गई हैं। अभी इसमें मैं ये हरी मिर्चें और धनिया डालूँगी। तो अब करते हैं डिश आउट।
ये हमारी मटन रिब्स बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।